नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ आइटम दिया हुआ है और यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस दिया हुआ है, लेकिन क्वांटिटी का यूनिट क्या है, ये केजी में है या पीसेस में, उस तरह से आपको कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस वन प्रेस कीजिएगा तो आपके पास जो इस टाइप से फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आएगा। तो आपको कस्टम में जाना है, कस्टम में आने के बाद ये जनरल है ना, जनरल को आप हटा के यहाँ पे हैश लिख दीजिए और हैश लिखने के बाद यहाँ पे डबल कोट के अंदर आपको क्या लिखना है, अगर ये पीसेस में है तो आप पीसेस से लिख लीजिए, केजी में है तो केजी में लिख लीजिए, जो भी है आप यहाँ पे लिखोगे तो इसको ओके करेंगे तो देखिए ये सभी के आगे जो है आपके अनुसार लग चुका है। अगर यहाँ पे आप चेंज करोगे जैसे 56 लिखा तो 56 पीसेस ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसी तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्स और बॉक्सेस दो चीज लिखना है तो बस इसको भी सिलेक्ट कीजिए और यहां से कंट्रोल प्लस वन प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पे आने के बाद आप क्या लिखो, यहाँ पे आने के बाद आप लिख दो यहाँ से हैश लिख दीजिए, हैश नहीं लिखना, यहाँ पे डबल कोट ओपन करना, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना है, इक्वल टू वन लिखिए और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कीजिए, क्लोज करने के बाद आपको लिखना हैश। अगर सिंगल क्वांटिटी के लिए लिखना है तो आपको जो है यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिख दीजिए बॉक्स, मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है डबल कोट क्वांटिटी सिंगल क्वांटिटी के लिए हो गया, अगर एक से ज्यादा रहा तो आप जो है यहाँ पे सेमी कॉलम डालिए और यहाँ पे जो है हैश प्रेस कर दीजिए, स्पेस डालिए, स्पेस डालने के बाद यहाँ पे जो है डबल कोट के अंदर बॉक्सेस लिख सकते हैं और यहाँ पे इसको ओके करेंगे। जब इतना लिखने के बाद आप ओके करो देखिए तो आपका काम हो चुका है, आपका सभी जो है फॉर्मेट यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टू बॉक्सेस जैसे सिक्स बॉक्सेस लिखा हुआ ना, यहाँ पे मैं वन कर दूंगा तो देखिए वन बॉक्स ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे आ जाएगा। किस तरह से किया आपको पता चला। थैंक यू।